डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवीटी चुम पोर्टल। योर वेलकम न्यू प्रैक्टिस सेट एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। अस वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमी हिराची। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इज, तो यहाँ पर होगा बेल डिस्क्रीज। विच आर द फॉलोइंग सुफिक्स यूज फॉर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट द टॉक्सिनमी कैटेगरी फैमिली इज। तो विच आर द फॉलोइंग प्रीफिक्स यूज फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट इंडिकेट टॉक्सिनमी कैटेगरी फैमिली। तो फैमिली में यहाँ पर जो प्रीफिक्स क्या करते हैं, सुफिक्स मतलब जो बाद में क्या लगता है, तो यहाँ पर लगता है लीज। आंसर यहाँ पर होगा ए। दूसरे का होगा सी सी, जैसे कि हम कहते हैं ब्रेसिकेसी मालवेसी, उसी हिसाब से यहाँ पर जो उपसर्ग है वो विसर्ग, मतलब जो पीछे शब्द होता है जुड़ा हुआ, वो सी होता है। ए सी मालवेसी, क्यू सी फेरेसी, फेवेसी, सोलेनेसी, ऐसे होता है। द टर्म सिस्टमेटिक रिफर टू, यहाँ पर होगा डिफरेंट काइंड ऑर्गेनिज्म, डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर रिलेशनशिप्स। जीनस रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। तो टॉक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच आर द फाइलम हिराचिकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो फाइलम है वो डिवीजन के हिसाब से यहाँ पर डिवीजन लेवल के बराबर है। जो प्लांट में डिवीजन होता है और एनिमल में सबसे पहले फाइलम, प्लांट में डिवीजन होता है तो डिवीजन इज फाइलम इक्वल टू डिवीजन, फाइलम इज इक्वल टू डिवीजन एंड डिवीजन इज इक्वल टू फाइलम। आंसर इज डी। वर्टिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क हैव बीन कलेक्शन ऑफ, वर्टिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क एग्जोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, एंडेमिक एंड एग्जोटिक। वर्टिकल गार्डन है एंडेमिक है और जूलॉजिकल पार्क है एग्जोटिक है। सो आंसर इज सी, एंडेमिक है बोटिकल गार्डन एंड एग्जोटिक लिविंग अनुनियम है जूलॉजिकल पार्क, दोनों का कलेक्शन। टैक्सोनॉमी की वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी टूल्स इज द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इट यूज टू प्रिपरेशन ऑफ टैक्सोनॉमी की फॉर द टैक्सोनॉमिक टूल्स आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट यूज टू प्रिपरेशन ऑफ बोथ मोनोग्राफ एंड फ्लोरा। आंसर इज सी, ऑल लिविंग ऑरिजिन आर लिंक्ड टू ईच अदर बिकॉज कॉमन जेनेटिक मटेरियल सेम टाइप्स शेयर्स कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वैरायटी डिग्री ऑल ऑफ कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एट का डी होगा ऑल ऑफ दीज। विच आर द फॉलोइंग डेफिनेट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ability to make sound, respond to external stimuli, नाइन का डी होगा respond to external stimuli। यहाँ पर मैच करना है फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन। फैमिली, फैमिली कौन सी है, तो सोलेनेसी। किंगडम यहाँ पर क्या अंशा है, प्लांटी, किंगडम प्लांटी है। ऑर्डर यहाँ पर है ऑर्डर पॉलीमोनिलीज, और स्पीसीज हम स्पीसीज यहाँ पर है सोलेनम, और जीनस सोलेनम, स्पीसीज टूब्रोसम। तो यहाँ पर आंसर है पहले का पांचवा,
दूसरे का चौथा, पहले का पांचवा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, पहले का तीसरा। तो आंसर कितने? 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3। तो आंसर यहाँ पर वो है 5 4 2 1 3। 10 का आंसर यहाँ पर बी होगा, 5 4 2 1 3। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट। इमेज ऑफ द आउटस्टैंडिंग टॉक्सोनॉमिक गिवन आउटसाइड द ऑप्शन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन आर एच। यहाँ पर ये किसका चित्र बता रहा है, विज्ञानी का? तो आंसर सी होगा, इनेस्ट मेयर। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। बारह का आंसर यहाँ पर ए होगा, इन प्लांट ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन सीन ओनली अप टू ए क्रिएट सर्टेन एज इन लाइफ स्पैन। पहला हो गया, यहाँ पर स्टेटमेंट कितने सही हैं? तो 12, 12 का यहाँ पर बी वाला सही है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड सेपरेट इजली 2 to the millions ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस। और दूसरा, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्रीज डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये बड़ा द सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द ओवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। आंसर ही ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है? आंसर बी होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज ऑर्गेनेलेज आर द प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर कंस्टिट्यूट ऑफ द ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल तो यहाँ पर एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है। इमेज ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन कांजीरंगा नेशनल पार्क आसम इन गिविन द बिलो आइडेंटिफाई द एनिमल। तो ये चित्र देखकर यहाँ पर नीट का क्वेश्चन है, रिनोसोर्स। आंसर 14 का बी। विच आर द फॉलोइंग ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, तो कौन सा गलत है? तो ऑल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैंडल केमिकल इंटर दे बॉडीज। इमेज ऑफ द एनिमल गिवन बिलो आइडेंटिफाई द सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर है हिप्पोकैम्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला होगा, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटेन इन मैग्नीफेरा इंडिका। ये गलत है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल म्यूजियम। अठारह का यहाँ पर, प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर ऑलवेज प्रेजर्व्ड एज बेस्ट स्पेसिमेंस। तीसरा सही है। और फिर पांचवा, लार्ज एनिमल लाइक बर्ड एंड मामल्स आर एक्चुअली नॉट प्रेजर्व्ड। आंसर सी होगा सही। करेक्ट ऑप्शंस विच रिप्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन एनिमल्स। 90 का डी होगा यहाँ पर, कार्डेटा मामलिया क्लास, फाइलम कार्डेटा क्लास मेमलिया और आर्डर कार्निवोरा फैमिली फेलिडी। और फैमिली फेलिडी ऑर्डर एंथ्रा स्पीसीज पैंथरा और जीनस जीनस पैंथरा स्पीसीज टाइग्रिस। आंसर डी। मैच द नेम इज द क्लास।
मैन का है मामलिया, और मैंगो का है यहाँ पर मोनो डाइकोटिलेडन, बीट है यहाँ पर मोनोकोटिलेडन, इंसेक्ट है यहाँ पर इंसेक्टा हाउसफ्लाई, और 20 का आंसर यहाँ पर भी होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला आंसर भी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ टॉक्सिनोमिकल कैटेगरी, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा फाइलम, फिर फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद आर्डर, आर्डर के बाद जीनस, फिर स्पीसीज। तो सबसे पहले यहाँ पर आर्डर, सबसे बड़ा यहाँ पर किंगडम, फिर फाइलम, फिर आर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीसीज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर किंगडम, फाइलम, किंगडम, फाइलम, आर्डर, स्पीसीज, आंसर एक सही होगा। 21 का, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले, असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है तो सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, क्योंकि बीच में क्लास फैमिली है नहीं तो सीधा ही होगा, पहले स्पीसीज फिर जीनस, असेंडिंग ऑर्डर है मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग मतलब नहीं ज़्यादा से कम से ज़्यादा की ओर, तो पहले स्पीसीज फिर जीनस फिर ऑर्डर फिर फाइलम और फिर किंगडम होता तो किंगडम, तो स्पीसीज जीनस ऑर्डर, जीनस पहले यहाँ पर स्पीसीज जीनस, फिर यहाँ पर ऑर्डर क्लास फैमिली, फिर यहाँ पर फाइलम होता सब फाइलम, फिर किंगडम, तो आंसर सी सही। यहाँ पर इमेज बता रहा है किसका है, देखकर बताएं तो 22 का ये जीन लाइब्रेरी है हर्बेरियम, 22 का भी है हर्बेरियम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पोटैटो या ब्रिंजल आर द डिफरेंट टू डिफरेंट रेसेस बट बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, तो 23 का एक हो जाएगा यहाँ पर, और 23 का यहाँ पर बी वाला सही है और डी सही है यहाँ पर। और टैक्सोनॉमी की आर द टूल दैट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द करेक्टर्स, और डी वाला सही है, हर्बेरियम आर सर्वस क्विक रेफरल सिस्टमिक सिस्टम इन नो टॉक्जिनोमिकल स्टडीज, आंसर यहाँ पर एक सही होगा, बी एंड डी आर करेक्ट। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की, और 24 का आंसर यहाँ पर सही सही होगा, सेम टॉक्जिनोमिक की सफिशिएंट फॉर द ईच टॉक्जिनोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइलम प्रोटिस्टा, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर एच विटेकर, द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टर एरियाज आर कॉल्ड, तो इसे कहते हैं हेलियोटाया, हेलियोफाइट्स, हेलोफाइल्स, नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लियेट एंड सेप्रोटिक, सेप्रोटिक, सेप्रिफाइटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लाइम मोल्ड, अन एसोसिएट बिटवीन रॉट रूट हायर प्लांट एंड फंगस कॉल्ड माइकोराइजा।
डाइकारियन इज फॉर्मड व्हेन टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। कॉन्टेजियम बेबियम फिलेटियम वाज पपेट बाई। यहाँ पर 7 का डी होगा, बीज बिंजिर्क, IMW बिंजिर्क। माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट आर फाउंड इन लाइकेंस। माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट एक कंपोनेंट हैं लाइकेन के। क्वेश्चन TGT में बन चुका है 2021 में। डिफरेंट बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड इज, तो ऑप्शन ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, आंसर इज बी, प्रोटीन कोड यहाँ पर वायरस में अब्सेंट होता है और वायरॉइड में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन अब्सेंस यहाँ पर कोड होता है वायरस में, वायरॉइड में, मगर वायरस में पाया जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट्स। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मेयोसिस। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रिप्लिकेट डेमसेल वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग। तो यहाँ पर होगा मोनेरा, नॉन ऑफ दी, क्योंकि वायरस का कोई किंगडम नहीं है, वायरस विवाद है, नॉन ऑफ दीज। मेंबर ऑफ फाइको साइड, वो फाइकोमाइसिटीज, ये फंगस का मेंबर है, फंगस की फैमिली है यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज। फाउंड इन, तो यहाँ पर होगा मोस्ट डेमेज प्लेसेस, ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट ऑन। 12 का यहाँ पर कौन सा सही होगा, बारह का डी सही होगा, ऑल ऑफ अबव, ये सारे। एक्यूटिक हैबिटेट होता है डिस्के ऑन बुड मोस्ट एंड डैम प्लेसेस अस ऑब्लिकेट पैरासाइट ऑल ऑफ दीज। एक्यूटिक हैबिटेट होता है डिस्के ऑन बुड होता है और मोस्ट डैम, मोस्ट और डैम प्लेसेस पाया जाता है और एक ऑब्लिकेट पैरासाइट होता है प्लांट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्ट एल्बो को, तो यहाँ पर मैच करना है कौन सा सही है, तो एल्बो को बेसिडिया ये गलत है। ट्राइकोडर्मा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिस अस्टिलेगो रिप्रोडक्शन कंजेटेड। यहाँ पर ट्राइकोडर्मा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये सही है, ट्राइकोडर्मा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ड्यूटेरोमाइसिटीज पे फैमिली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। फिगर ऑफ द फॉलोइंग फॉर डिफरेंट बैक्टीरिया आर गिवन बिलो करेक्टली इन आइडेंटिफाई देम। तो पहला है कोकाई और दूसरा है बेसिलस और तीसरा है स्पायरुला। पहला कोकाई है, दूसरा बेसिलस है, तीसरा स्पायरुला है, चौथा बिब्रियो। आंसर सी सही है। रीड आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई, सिलेक्ट द ऑप्शन ऑल ऑफ करेक्ट। तो 15 का यहाँ पर बी सही होगा, सी सही होगा और डी ई सही होगा, आंसर यहाँ पर बी सही है। वीडियो पॉज करके पढ़ ले, मैं थोड़ा जल्दी में, इसलिए वीडियो थोड़ा तेज चल रहा हूँ।
डायग्राम ऑफ ए फिलामेंट ब्लू ग्रीन एलगी नॉस्टा गिविन द ब्लू करेक्टली आइडेंटिफाई द ए एंड बी। ए और बी क्या है यहाँ पर चित्र में बता रहा है। ये यहाँ पर हिस्टोसिस्ट है और बी है मेसिलेजन ऑफ सीत। आंसर यहाँ पर सी सही होगा 16 का। ये हिस्टोसिस्ट है और जी मेसिलेजन ऑफ सीत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा गलत है। और 17 का सी सही होगा। During favorable condition, the plasmodium of lime mold different and form the fruiting body. Select the correct matching pairs. अठारह का बी सही होगा। Rhizopus phycomycetes. Image of the following different fungi given A and B, C by the selecting correct options. तो सी तो अवेरिकस है और बी यहाँ पर एस्परजिलस है। ए म्यूकर है तो आंसर बी सही होगा। ए म्यूकर, बी एस्परजिलस और सी अवेरिकस। आंसर बी सही होगा 19 का। पहला जो चित्र है ये वो म्यूकर है, दूसरा एस्परजिलस है और तीसरा जो है अवेरिकस है जो फ्रूटी बॉडी। अवेरिकस, एस्परजिलस, म्यूकर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो पहला सही होगा इन फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कॉल्ड द कोनिडिया। तो स्पोरेंजिया जो स्पोर्स ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहा है, ये गलत है। डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज गिव इन बिलो करेक्टली आइडेंटिफाई द ए बी सी डी। तो ए पर हेड है, बी पर कॉलर है, सी पर सीट है और यहाँ पर टेल है डी पर। तो ए नंबर पर हेड है और बी पर, यहाँ पर ए नंबर पर हेड है और बी पर, ए नंबर पर हेड है, बी पर कॉलर है, सी पर सीट है और डी पर टेल, टेल फाइबर है, टेल है। तो आंसर 21 का एक सही हो जाएगा पहला ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। किंगडम एनिमलिया इज करेक्टेड बाय द ऑटोट्रॉफिक यूकेरियोटिक एंजाइम दैट मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लाक सेल वॉल एनिमल्स। ये जो है इनकरेक्ट है, बता रहा है यूकेरियोटिक एनिमल है और मल्टीसेलुलर है वो तो सही है, मगर बता रहा है सेल लाक सेल वॉल, सेल वॉल पाई जाती है पर क्योंकि प्लांट एनिमल सारे जो मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक हैं, यहाँ पर बता रहा है कि सेल वॉल लाक है, प्लांट में पाई जाती है, प्लांट एक यूकेरियोटिक है। और एनिमल ऑटोट्रॉपिक नहीं है तो एनिमल यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक बता रहा है, ये भी गलत है। डायग्राम ऑफ वायरस गिवन बिलो करेक्टली आइडेंटिफाई द लॉन्ग अलॉन्ग विथ लेबल्ड ए बी। तो ये यहाँ पर राइजोम वो आरएनए है और बी यहाँ पर कैप्सोमियर्स हैं। तो ए पर यहाँ पर टीएमबी है और ए आरएनए है और बी कैप्सो कैप्सिड है। चित्र पूरा टीएमबी का है और ए नंबर पर आरएनए है, बी पर कैप्सिड है। तो आंसर यहाँ पर सी सही, वो बी सही होगा 23 का बी। टीएमबी का ये चित्र है पूरा, ये जो है जो आरएनए है और बी कैप्सोमियर है। आंसर बी सही होगा टीएमबी, और ए नंबर पर आरएनए है, बी पर कैप्सिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। 24 का सी होगा यहाँ पर। डिजनोफिलाटलेट इनक्लूड द डाइटम एंड गोल्डन एलगी डेजमोइड्स। मैच द करेक्ट
आंसर सीलिएटेड प्रोटोजोन, और सीलिएटेड प्रोटोजोन पैरामीसियम, और स्पोरोजोन, स्पोरोजोन यहाँ पर प्लाज्मोडियम, और ट्राइपोसोनोमा फ्लैजेलेट प्रोटोजोन, अमीबा अमीबाइड प्रोटोजोन। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, और चौथे का तीसरा। तो आंसर 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 4, 3 आंसर भी सही होगा 25 का। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट 26 का आंसर ये सही होगा, वायराइड प्रोसेस प्रोटीन कोट लेबल्ड कैप्सिड फाउंड इन वायरस। ऐसे अगर वायराइड में यहाँ पर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है जबकि वायरस में पाया जाता है, ये गलत है। चूज द रॉन्ग करेक्टली मैच्ड पेयर, तो 27 का आंसर यहाँ पर सी सही होगा, एस्परजिलस एस्क्विमाइसिटीज, ये सही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5 एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस व्हाट विल बी द करेक्ट। 28 का डी होगा यहाँ पर, दूसरा सही है, चौथा सही है, और पांचवा सही है, आंसर बी सही होगा। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटियन एंड अकर इन द एयर वाटर सोइल एंड द ऑन एनिमल प्लांट्स, सही है। दूसरा चौथा बता रहा है, द पिगमेंट ऑफ इग्लोनाइड्स आर आइडेंटिकल टू द दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, और पांचवा बता रहा है, इंस्टेट ऑफ सेल वॉल इग्लोनाइड हैव बी प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द प्लाज्मा लेमा विच मेक द देयर बॉडी, आंसर बी सही होगा। डायग्राम ऑफ डिवाइडिंग माइक्रोब्स माइक्रोब इन द विलो करेक्टली आइडेंटिफाई बैक्टीरियम, सम एनिमल ग्रुप बॉडी फाउंड इन डिवाइडेड इन टू द कंपार्टमेंट विद द लीस्ट सम ऑर्गन ऑर्गन रिपीटेड, दिस इज करेक्टर फीचर नेम्ड एज। तो पहला होगा मेटामरिज्म, मेटामरिज्म गिव द करेक्ट गिव बिलीव द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द सम एनिमल्स, ईच वन स्पेशलाइज परफॉर्म सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट। दूसरे का डी वन निमेटेड्स, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल शेयर फोर चैम्बर्ड हेड, तो फोर चैम्बर्ड हेड किस में पाया जाता है, एम्फीबिया रेप्टाइल एंड बर्ड्स। क्रोकोडाइल बर्ड एंड मामल्स, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स हैव नॉन ग्लैंडुलर स्किन, आंसर भी होगा फ्रॉग एंड पीजन। बर्ड मामल्स आर शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन फीचर, बर्ड एंड मामल्स यहाँ पर क्या पाया जाता है, वार्म ब्लडेड नेचर। बर्ड एंड मामल्स आर शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन फीचर, तो पिगमेंटेड स्किन बता रहा है, ये तो नहीं है, वार्म ब्लडेड नेचर होगा। विच आर द फॉलोइंग सेट एनिमल बिलोंग टू अ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप,
सिल्क वार्म, स्टेप वार्म, अर्थवार्म, ये तो अलग अलग, क्विड फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश, बैट पीजन एंड बटरफ्लाई, सिंगल टॉक्सोनॉमी बता रहे, मंकी, चिंपेंजी एंड मैन, आंसर बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सिंगल टैक्जोनोमिक ग्रुप, तो सिंगल मतलब एक ही में, टैक्जोनोमिक ग्रुप है तो एक में है, तो चिंपैंजी, मैन, मंकी यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो टीनिया ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है बता, रेडियस सिमेट्री फाउंड इन एस्टियर, फैसियोला, सीडो सिलोमेट है और बता रहा है मैगजोगलिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म और इन ओविलिया, सेवन का एक होगा, टीनिया इज ए ट्रिप्रोब्लास्टिक एनिमल। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, और एट का सी होगा यहाँ पर, इन कॉकरोच एंड प्राउंस एक्सक्रीशन बेस्ट मटेरियल अकर थ्रू द मेलिपिगन टूल्स, कॉकरोच में तो हम अगर प्राण में नहीं है तो आंसर यहाँ पर गलत है, यहाँ पर बेस्ट मटेरियल आर्थ्रोपोडा की मेलिपिगिन ट्यूब है यहाँ पर, और एनिलिडा की एनाफ्रिडिया है, मगर यहाँ पर प्राउन है जो एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है प्राउन एंड कॉकरोच है, तो दोनों का यहाँ पर जो आर्थ्रोपोडा है मेलिपिगिन ट्यूब होगी, प्राउन की ग्रीन ग्लैंड होगी, तो आंसर यहाँ पर जो है गलत है, क्योंकि कॉकरोच तो मागली पिगिन टूबुल है मगर प्राण की नहीं है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपोर हाउस, तो ओवीपोर हाउस कौन सा है, फ्लाइंग बैक्स, बैट, एलिफेंट, यानी जो अंडे देने वाला है तो वो कौन है, प्लेटीपस, फिलाइंग बॉक्स बेट, फिलाइंग फॉक्स जो बेट कहते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग ये नॉट पिजन ऑफ द स्नेक पाइथन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल द लिविंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर स्पोंजिला है टिश्यू लेवल और आर्गन लेवल, यहाँ पर फैसियोला, ऑर्गन लेवल यहाँ पर फैसियोला है और टिश्यू ग्रेड स्पोंजिला और टिश्यू लेवल यहाँ पर, और सेलुलर लेवल यहाँ पर स्पोंजिला यानी जो स्पंज है, सेलुलर लेवल स्पंज, टिश्यू लेवल यहाँ पर, टिश्यू लेवल यहाँ पर होगा ओवेलिया और आर्गन लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल फेरिटीमा, टिश्यू लेवल ओवेलिया, सेलुलर लेवल स्पॉन्जिला और आर्गन लेवल फैसी वाला, आंसर एक सही होगा। बॉडी कैविटी के प्रेजेंट इन द बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, इन सम एनिमल बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय द मेजोडर्म, उसे कहते हैं असीलोमेट या सीरोसीलोमेट। बीच ऑफ द फॉलोइंग ए एंड बी चूज द करेक्ट आंसर,
पोरीफेरा है जो कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम तो पाया जाता है इकोनोडर्मेटा में। पोरीफेरा यहाँ पर जॉइंटेड तो कैनाल सिस्टम एस एसके हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज यहाँ पर होगा बी का पांचवा। एनिलीड्स है, आर्थ्रोपोडा यहाँ पर होगा कंप्लेट, एनिलीडा होगा जॉइंटेड, आर्थ्रोपोडा यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेड होगा। पोरीफेरा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में, एसके हेलमिंथीज में पाया जाता है, सीडो हेलमिंथ सीडो सीलो एनिलिडा में यहाँ पर पाया जाता है कम्प्लेट मेटामरीज, आर्थोपोडा में पाया जाता है जॉइंटेड अपेंडेज। आंसर यहाँ पर पाया हुआ पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा, चौथे का पांचवा और इकाइनोडर्मेटा यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम दूसरा। पहला उत्तर हो जाएगा इसका 13 का पहला। पोरीफेरा का यहाँ पर होगा बाटर, पोरीफेरा बाटर वैस्कुलर सिस्टम, दो पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम पहले का पहला ही होगा, पहले का पहला, दूसरे का जो है सीटो सिलियमेट, दूसरे का तीसरा एनिलीडा का यहाँ पर होगा, ज्वाइंटेड अपेंडेज आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा का कम्प्लेट है, मेटामोरिज्म यहाँ पर पाया जाता है, मेटामोरिज्म एनिलीडा का। और इकाइनोडर्मेटा कैनाल वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ पर बन रहा है कोड पहले का पहला एक, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पांचवा। और चौथे का अर्थोपोडा या चौथे का पांचवा। आंसर पहला होगा द क्लियाटेलम और इज द डिस्टिंक्ट पार्ट बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज द फाउंड इन, क्लियाटेलम पाया जाता है यहाँ पर 13, 14, 15। बारह तेरह चौदह सेगमेंट पर पाया जाता है क्लाइटेलम। सीटी हेल्प इन द कोकन व लोकेमेशन इन अर्थवर्म बट यूनिफॉर्म द प्रेजेंट सेगमेंट, सिलेक्ट द रॉन्ग अमंग द फॉलोइंग दैट प्रेजेंट। दो सीटी पाई जाती है यहाँ पर कौन से सेगमेंट पर, ट्वेंटी से 25 सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट पर, फर्स्ट सेगमेंट पर। क्लाइटेलम सेगमेंट पर किस पर पाई जाती है, सी टी। तो यहाँ पर क्लाइटेलम सेगमेंट पर
Which of the following statement is true for the cockroach? Given below the type of cell present in the some animal, each specialized by the single specific function except interstitial cells. Which of the following set of animals share four chambered characters? तो यहाँ पर होगा crocodile, bird and mammals. Which of the following pair of animal have non-glandular skin? चार का डी होगा यहाँ पर किलेमुलान एंड टोटल वर्ड मामल्स आर शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इन कॉमन फीचर्स. तो फाइव का यहाँ पर सी होगा बार्म ब्लेड नेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप. सिक्स का बी होगा यहाँ पर मंकी वाला. और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट. सेवन का सी होगा फेसिओला सीडो सिलीमेट एनिमल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट. तो एट का सी होगा काकरोच एंड प्राउन आर. ये तो सही है बता दिया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये ओविपोर हाउस. नाइन का बी है वह प्लेटिपस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट तो पाइथन था यहाँ पर. ग्यारह का सी था यहाँ पर वो ग्यारह का सी आंसर. ऑर्गन लेयर ओविलिया पी का पहला था यहाँ पर और टिश्यू लेवल सी का दूसरा था पेसिओला. ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर स्पॉन्जिला. बॉडी कैविटी बिटवीन द फॉलोइंग बाल गट सम एनिमल बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय द. तो ये भी सही था आंसर इसका. बारह का सी सीडो सिलोमेट. तेरह का भी हमने मिला दिया था पहला ही था ही था. और क्लाइटेलम यहाँ पर किस में पाया जाता है कौन कौन से रीजन पर. चौदह का बी वाला यहाँ पर चौदह पंद्रह सोलह पर सेगमेंट पर. सी टी हेल्प इन द लोकोमोशन इन अर्थवर्म बट नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट. सेलेक्ट द फॉलोइंग जेट प्रेजेंट. तो फर्स्ट सेगमेंट पर पंद्रह वाला आंसर यहाँ पर डी होगा. बाईस से बीस से बाईस तक सेगमेंट. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द काक्रोच. सोलह का सी होगा एनल स्टाइल अपसेट इन फीमेल्स. सत्रह में मैच करना है यहाँ पर. तो हर्माफ्रोडिट कौन सा है यहाँ पर एनिमल. पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का दूसरा वो पहले का यहाँ पर सत्रह का आंसर. पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का चौथा और चौथे का पहला आंसर पहला ही सही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस काक्रोच चूज द करेक्ट ऑप्शंस.
पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। आंसर बी सही होगा। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर। पहले का तीसरा, टच सेंसरी पापली, और दूसरे का पहला, विस्मेल नेजल एपिथीलियम और क्रेनियल नर्व्स, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, मेडुला ओब्लॉगेटा, और यहाँ पर होगा दूसरा, फोरामेन मैग्नम। आंसर डी सही होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 20 का आंसर यहाँ पर सी होगा। एनिमल एक्सिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल। द काइंड ऑफ सीलोम रिप्रेजेंट इन डायग्राम राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथवर्म। सेक्शन है यहाँ पर एथवर्म का। रीड द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट ए टू ई एंड करेक्ट द ऑप्शंस। स्टेटमेंट यहाँ पर कौन से पढ़ें और सही सही जो है स्टेटमेंट बताएं। 22 का आंसर डी होगा। तो पहला सही होगा। सिमेट्री मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द बॉडी पार्ट इन टू द जियोमेट्रिक ड्रेसिंग्स। और दूसरा सही होगा। एनिमल लाइक एनी एंड एनिलीड आर्थोपोड एंड कार्डेड एक्सिबिट द बायलेटर सिमेट्री। और बायलेटर सिमेट्री इधर रॉन्ग स्ट्रॉन्गली एसोसिएट विद द सेफिलाइजेशन। आंसर डी सही होगा। एस रिगार्ड टू जर्म लेयर ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट डायग्राम गिवन बिलो रिपोर्टेड एर्थवर्म। ये किसमें यहाँ पर जो लेयर दिखाई गई है किसकी है? तो 23 का आंसर भी होगा यहाँ पर हाइड्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 24 का एक होगा। एनिमल विदाउट सीलोम आर बॉडी कैविटी कॉल्ड द सीलो सीलोमेट एग्जाम्पल एसके एलमेंथीज। ये सही है, बता रहा है कौन सा गलत नहीं है। ये सही है इसका मतलब, और सब गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग करेक्ट फॉलोइंग पेयर्स। तो पोरीफेरा फाइसेलिया, ये गलत है क्योंकि फाइसेलिया एक सिलेंटेट है। टीनोपोरा सीडो ब्रंकिया गलत है। एलिलीडा साइटोमा गलत है। प्लेटिनमिंथिस बाउशेरिया। तो यहाँ पर कौन सा सही है? बाउशेरिया प्लेटिहेलमिंथिस, ये भी गलत है। टीनोफोरा फाइसेलिया पिलोरोब्रैंकिया, ये सही है। करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहा कौन सा है? राउंड बार वाज द डिप्लोब्लाटिक प्लेट बायलेटर वर्मीफोलर सेगमेंटेड सीडोसिलोमेट एनिमल बता रहा है राउंड बार, ये गलत है। डिप्लोब्लाटिक होता है यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री। टिप्लोब्लाटिक बर्मी फार्म तो है ही, सेगमेंटेड नहीं होता, यहाँ पर सेगमेंटेड बता रहा है। द फिगर ऑफ बिलो एनिमल 3 एक दो तीन करेक्टरी आइडेंटिफाई। तो पहला तो स्पॉन्जिला है और दूसरा इस यूस्पॉन्जिया, तीसरा साइकेन। साइकान आंसर भी सही होगा। पहला स्पॉन्जिला, दूसरा यूस्पेसिया, तीसरा साइकन। यहाँ पर मैच करना है रेडुला मोलस्का कंप्लीट
कॉम्प्लेट यहाँ पर किस में होगा, पोरीफेरा क्या है, कोइनोसाइट्स, पैरापोडिया, पैरापोडिया मोलस्का, पैरापोडिया मोलस्का, तो पैरापोडिया यहाँ पर सिलेंटेटा, पैरापोडिया किस में पाए जाते हैं, सिलेंटेट में पाए जाते हैं, टीनोफोरा जिसे कहते हैं सिलेंटेट्स, पैरापोडिया एनिलिडा में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एनिलिडा कौन सा ही है, और पोरीफेरा क्या पाया जाता है, कोइनोसाइट, रेडुला पाया जाता है मोलस्का में, तो टीनोफोरा में कंप्लीट पाई जाएगी, तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, तो दो और लास्ट में शुरू में दो सरा है, तो लास्ट में तीसरा किस में है, आंसर डी है, 28 का डी। तो यहाँ पर डायग्राम किसका है ये देखना है, और 29 का सी है, निडोसाइट ऑफ हाइड्रा यूज फॉर द डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे, फॉलोइंग फोर एनिमल्स सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सारे नीट के क्वेश्चन हैं, तो पहले नंबर पर कॉकरोच है, दूसरे नंबर पर फैसिओला है, तीसरे नंबर पर हिरुनेडिया है, चौथे पर पाइला है, तो यहाँ पर पहले नंबर पर क्या है, एक दो बार लैंड लीड पैरासाइट मोड लाइफ बता रहा, एक दो बार लॉन्ग फाइल एक और दो, तो यहाँ पर कोई सेम फाइलम नहीं है इनका, एक चार आर प्रोसेस काइटिनोज स्केलेटन, एक चार काइटिनोज स्केलेटन बता रहा है, दूसरा बता रहा है पैरासिटिक मोड ऑफ, एक दो तीन पैरासिटिक मोड, दो तीन पैरासिटिक मोड सही है, तो दो तीन पैरासिटिक मोड आंसर भी सही होगा, दो तीन पैरासिटिक मोड यानी फैसी वाला, और जोंक जो है पैरासिटिक मोड है, दूसरा सही है, दो तीन लीड टू पैरासिटिक मोड लाइफ, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल देयर कॉमन नेम्स, फैसी वाला को कहते हैं लीवर फ्लू, फ्लोडाइट यहाँ पर से माउस, और बाउचेरिया फिलीफार्म, सी एनिमोन अडेप्सिया, आंसर यहाँ पर कितना होगा, पहले का फैसिओला का पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, चौथे का तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, तो शुरू में चार है लास्ट में एक है, शुरू में पहला सही होगा, 31 का पहला, सिलेक्ट द करेक्ट मैच टाइप आर्गन देर फंक्शंस, रेडुला, रेडुला का क्या काम है, पैरापोडिया यहाँ पर क्या काम है, फिल्म सेल एस्क्रीशन, पैरापोडिया लोकोमोशन, रेडुला यहाँ पर टेस्टिंग वाटर वो फीडिंग, और फिल्म सेल्स यहाँ पर एस्क्रीशन, ऑस्प्रोडाइट्स यहाँ पर टेस्टिंग वाटर, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पहले का तीसरा
पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। तो शुरू में चार हैं, लास्ट में दो हैं। शुरू में चार हैं, लास्ट में दो हैं, किस में है? आंसर नंबर डी होगा। शुरू में यहाँ पर फिर से मिलाना होगा क्या? रेडुला यहाँ पर फीडिंग है और पैरापोडिया यहाँ पर है लोकोमोशन, फिलाम सेल्स एक्सक्रीशन, अफ्रोडाइट यहाँ पर टेस्टिंग वाटर, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, वो चौथे का दूसरा। तो दो तीन, शुरू में तीन है, लाट में दूसरा है, तो शुरू में तीसरा है, लाट में दूसरा। आंसर बी सही होगा। यहाँ पर मैच करना है 33 का सी होगा, फाइसेलिया पॉलीमॉर्फिज्म, निडेरिया यानी निडेरिया मीन्स सिलेंटेड। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बी सही होगा। यहाँ पर रेप्टाइल आर वार्म ब्लडेड बता रहा है, यह कि कूल ब्लडेड है। और एनिमल्स दे आर एबल टू मेंटेन कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये सारा गलत है। और यहाँ पर 35 नंबर पर चित्र दिया गया और उसके बारे में बताने को बताया। तो ये यहाँ पर ये कोई भी एनिमल है जो लिव इन द रिवर एंड इन लेक, रिवर एंड लेक में रहता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक से पाँच सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट। तो 36 का एक सही होगा, पहला सही होगा और तीसरा सही होगा और पांचवा सही होगा। रेप्टाइल आर मोस्टली टेरिटियल, कर्निवोरस, टेट्रापॉड्स, वर्टिब्रेट्स, और दूसरा तीसरा सही होगा। एज द फ्लेम्स नेम इंडिकेट द एम्फीबिया कैन बी लिव एक्वाटिक एस वेल एज टेरिटियल हैबिटेट। और पांचवा है बोनी फिश है फोर पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाई द अपरकुलम ऑन ईच साइड, आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। द फिगर ऑफ बिलू गिविन बिलू कॉर्डेट कटेटिक्स, तो ये बैलनो वो एम्पी ऑक्सिस है। यहाँ पर इनका चित्र देखकर वो बताना है उत्तर। तो ए नंबर पर जो है पोस्ट एनल टेल है और बी नंबर पर गिल है, पोस्ट एनल टेल बी पर गिल है और गिल सिलिट है, सी पर नर्व कार्ड है और डी पर नोटो कार्ड है। आंसर डी सही होगा। विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल देयर लार्वल फॉर्म्स, और 38 का यहाँ पर पहले का तीसरा होगा, टेनिया का 60 सर्कस है और दूसरे का यहाँ पर लीवरपूल का यहाँ पर होगा मेरा सीडीएम। और सी बालनट का यहाँ पर होगा सीपीडीएम और डी का चौथा होगा, तो पहला ही सही होगा उत्तर। ए बी सी डी यहाँ पर जो चित्र देखकर पहचानना है, तो पहले यहाँ पर है किलियोन कार, दूसरा है नाजा नाजा, तीसरा किमिलोन
उनतालीस का आंसर यहाँ पर, 39 का डी होगा। पहला किमिलोन, दूसरा राजा है, तीसरा क्रोकोडाइल है और चौथे पर किमियोलोन। आंसर डी सही होगा। यहाँ पर बैलून और ग्लासेस का चित्र है, ये बैलून और ग्लासेस है, तो ये हेमी का डेटा है। आंसर भी सही होगा इसमें 40 का। इट इज बिलोंग टू द फाइलम हेमी का डेटा। इकतालीस का यहाँ पर, और 41 का पहले का चौथा हो जाएगा, हेयर जो पाए जाते हैं मामल्स में, और दूसरे का पांचवा हो जाएगा। एलोस्टोटिल लाइनटे निकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में पाया जाता है, माइग्लिपियन टूबोल यहाँ पर इंसेक्टा में पाई जाती है, रेप्टिलिया यहाँ पर जेकॉब्स आर्गन। पहला आंसर सही होगा। यहाँ पर ये चित्र किसका है ये बताना है। 42 का डी होगा, यहाँ पर एसिडिया यानी हार्डमानिया, जिसे यूरो का डेटा कहते हैं। यहाँ पर कुछ वर्टिब्रेट दिए गए हैं, तैतालीस का यहाँ पर पहला प्रोटोजोमाइन कामली एस लेम्प्रे। आंसर भी सही होगा। आंसर यहाँ पर बी जो है पेट्रोमाइजन है, कामली नाउनस लैम्प्रे, ये पेट्रोमाइजन है जिसे लैम्प्रे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर यहाँ पर, 44 का आंसर सी सही होगा, अगेंथा साइक्लोस्टोमा पिसीज एबीज यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, जो यहाँ पर उसके हिसाब से आंसर था यहाँ पर तीसरा, अगेंथा साइक्लोस्टोमेटा, और यहाँ पर बता रहा है ए बी सी डी जो है सिलेक्ट ऑप्शंस। तो पहला जो है अगेंथा क्लास, दूसरा साइक्लोस्टोमा क्लास, और यहाँ पर पिसीज है क्लास, और राइबीज। चूज द करेक्ट पेयर। 45 का ये सही होगा, ओरिनिथो रिंकस पेटिपस। विच आर द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट्स। 46 का डी होगा यहाँ पर, कॉन्डिटाइज इनक्लूड बोथ मैरिन एंड फ्रेश वाटर फिशेस बोनी स्केलेटन। ऑस्टियोटाइज बोलिंग फिश होती है यहाँ पर, ये बता रहे कॉन्डिटाइज इनक्लूड बोथ मैरिन एंड जो कंडिक ऑस्टियोटाइज होती है वो यहाँ पर बोनी स्केलेटन होता है इसमें, यहाँ पर ऑस्टियोटाइज नहीं है, कॉन्डिटाइज में यहाँ पर कार्टिलेज होता है। सो आंसर यहाँ पर डी वाला गलत है। आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी डी, सेलेक्ट द करेक्ट। सैंतालीस का ये सही होगा यहाँ पर, ऑस्ट्रोटुओ पिटेकुला पैबो एंड नेप्रोल, यहाँ पर जो वैज्ञानिक नाम है, पहले नंबर शुतुरमुर्ग है जिसका चीटियो नाम है, दूसरा पिस्टुला यानी पैरेट का नाम है पिस्टुलो क्वेटा पिस्टुकुला, और मोर का पैबो, और यहाँ पर गिद्ध का है नेप्रोल। आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी डी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 48 का बी होगा, माइक्रोपस जो कि कंगारू है, दूसरा यहाँ पर पेरेटोराम पेरोटोरोपस है जो कि चमगादड़ है, तीसरा यहाँ पर बेलनोटोपरा, और शिवाला यहाँ पर
डीपर ऑर्निथो ग्लासेस, आंसर भी सही होगा ये चित्र के हिसाब से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। 49 का बी सही होगा जो स्टेटमेंट है। साइजोसील इज फॉर्म बाय द स्प्लिंटिंग ऑफ मेजोडर्म। और तीसरा सही हुआ जो सेगमेंटेशन इन फ्लैट वार्म सच एज प्लेट वार्म, प्लेट टेप वार्म इन डर्मेटस सीडो मेटामरीज। सेगमेंटेशन इन फ्लैट वार्म सच एज टेप वार्म इज द टर्मेटस सीडो मेटा मरीज। और ये वाला सही है, द प्रोटो स्टोम्स द माउथ फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट ओपनिंग एब्रियो नेमली ब्लड पोर्स। आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, पचास में यहाँ पर 50 का आंसर सी होगा, पहले का तीसरा। माइक्रोपस कंगारू का वैज्ञानिक नाम है, कैनिस कैनिस डॉग का नाम है, और मकेका मकेका का मंकी का नाम है, मकेका मुलाटा, और टेरिपस फ्लाइंग बॉक्स। आंसर सी सही होगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है। 51 का डी होगा यहाँ पर, कोलिकेंथ इज द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग फिश। ये लिविंग मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग फिश नहीं है, यहाँ पर फॉसिल फिश है कोलिकेंथ, जिसे लेटिमेरिया कहते हैं, ये यहाँ पर सही है। लिविंग प्रिमिटिव फिश है यहाँ पर, जिसे फॉसिल फिश भी कहते हैं, कोलिकेंथ यानी लेटिमेरिया, ये सही है उत्तर। मैच द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, नाजा नाजा ये कोबरा को कहते हैं, और बंगेरस करेत को कहते हैं। और ट्रिपलोसोरस ब्लाइंड स्नेक को कहते हैं, रेट स्नेक यहाँ पर टाइपियास। तो कोड यहाँ पर बन रहा है पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और चौथे का पहला, यानी 3-2-1 पहला ये आंसर सही है हमारा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें हमारे चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी, बी हैप्पी।